हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक्स क्या होता है, रियल पार्ट। ठीक है, और वाई क्या होता है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब समझने की बात क्या है कि हमारा ट्रिक्स क्या है। हमारा ट्रिक्स ये है कि जब भी रूट अंडर एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आयोटा का साथ वाला जो पार्ट है, मीन्स वाई यहाँ पे है, ठीक है, वाई है आयोटा के साथ, इसको क्या करना है, हाफ कर देना है। क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, वाई बाई टू। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये प्लस में है, ठीक है, प्लस आयोटा वाई है, तो वाई बाई टू हो जाएगा। अगर माइनस वाई यहाँ पे, माइनस आयोटा वाई है, फिर भी हम लोग लिखेंगे वाई बाई टू। मीन्स कहने का मतलब यह है कि अगर प्लस और माइनस यहाँ पे हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस है तो अच्छी बात है, अगर माइनस हो तो इसको प्लस बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग हाफ कर दिए। उसके बाद से क्या करना है, इसको ऐसा फैक्टराइज करना है कि इसका स्क्वायर का, इसका इसको ऐसा फैक्टराइज करना है कि इसका स्क्वायर का डिफरेंस जो आए वो क्या, इसका स्क्वायर का डिफरेंस जो बने वो आपका मिले रियल पार्ट ऑफ जेड, मींस ये एक्स मिल जाए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं समझे होंगे तो इसको मैं क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान ट्रिक है, आप 10 सेकंड्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से आप शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा। ठीक है, तो हमें क्या करना, आयोटा का साथ वाला क्या है, यहाँ पे 24 है। ठीक है, क्या है, 24 है। अब इसको हमें क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, तो जब आप इसको हाफ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब इसको हाफ करेंगे तो 24 बाई 2 आपको मिल जाएगा 12। ठीक है, और 12 को अब ऐसा फैक्टराइज करना है, 12 को आपको ऐसा फैक्टराइज करना है कि इसका स्क्वायर का जो डिफरेंस मिले और क्या मिले, 7 मिल जाए, मीन्स आपको रियल पार्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 और 3। ठीक है, 3 और 4। अब देखिए, अगर आप 4 और 3 ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। इसका स्क्वायर हो जाएगा आपको 9, इसका आपको मिल जाएगा 16। अब देखिए, जब आप दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे 16 और 9 का जब डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे तो आपको मिल जाएगा 7, और इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा -7। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 7। ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो हमें 7 चाहिए, तो हम लोग कौन पार्ट लेंगे, ये लेंगे, 4 और 3 लेंगे, हम लोग ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो बनेगा 4, ठीक है, और 3i, यहाँ पे लिखना है 3i आयोटा के साथ लिखेंगे, तो 4 प्लस 3 आयोटा प्लस, क्यों, क्योंकि अगर दोनों के बीच में अगर प्लस हो तो हम लोग प्लस यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ -5 -12i। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले, आयोटा के साथ वाला पार्ट, तो आयोटा के साथ साथ वाला पार्ट जो है -12 है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, मीन्स -12 है यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 12 मानेंगे। ठीक है, और ये हमें पॉजिटिव बना दिया सबसे पहले, उसके बाद से इसको क्या करना है, हाफ करना है, इसका इसका हाफ करना है, तो 12 का हाफ क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब 6 को आपको ऐसा फैक्टराइज करना है कि इसका जो फैक्टर बने, ठीक है, उसका स्क्वायर का डिफरेंस जो आए वो -5 आए। क्यों, क्योंकि हमें रियल पार्ट ऑफ एक्स जेड आपको मिलना चाहिए। ठीक है, मींस -5 आना चाहिए। तो आप सोचिए कि कौन सा ऐसा फैक्टर, इसको किस तरह फैक्टराइज करें कि जो दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस मिले, हमें क्या मिले, -5 मिले। ठीक है, अब देखिए, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक तो आप लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, 2 × 3, या आप लिख सकते हैं 3 × 2। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्क्वायर करके, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 9, इसका स्क्वायर 4। ठीक है, अब हमें दोनों का स्क्वायर हमने कर दिया, अब दोनों का डिफरेंस चेक करना है कि कौन डिफरेंस जो है, दोनों का डिफरेंस जो है हमें -5 दे रहा है, तो 4 - 9 5 मिल जाएगा, 9 - 4 आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे -5 मिल जाएगा, 4 - 9 क्या आ जाएगा, -5, 9 - 4 +5। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -5, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है यहाँ पे -5 है। ठीक है, हमें -5 चाहिए, तो हम लोग जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे
टू, यहाँ पे क्या है थ्री है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे थ्री आयोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस ये कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं दोनों के बीच में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच वाला जो होता है, मींस इसके बीच में जो साइन होता है, अगर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है ये माइनस है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं माइनस, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा प्लस माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 15 आयोटा, ठीक है, तो हमें क्या देखना है आयोटा का कोएफिशिएंट, तो आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 15 है, ठीक है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना, अगर प्लस में हो माइनस, अगर प्लस 15 होता तो ठीक है, अगर माइनस 15 है तो हमें क्या करना है प्लस 15 कंसिडर करना है, मीन्स इसको पॉजिटिव बना देना है, तो प्लस 15 हो गया। अब इसको क्या करना है हाफ करना है, हाफ ऑफ दिस, ठीक है, तो 15 बाई 2 हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा 15 बाई 2। अब इसको आपको ऐसा फैक्टराइज करना है कि इसके स्क्वायर का डिफरेंस जो हमें मिले क्या मिले 8 मिल जाए 8, ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है यहाँ पे क्या है 8 है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आप बोलिए अब इसको कैसे ब्रेक करें, आप खुद से सोचिए कि इसको कैसा ब्रेक किया जाए कि जो दोनों का जो मीन्स जो इसको ब्रेक करने के बाद जो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस जो आए वो 8 मिलना चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, एक तो हो सकता है 5 बाई रूट 2, ठीक है, और एक दूसरा हो सकता है 3 बाई रूट 2, ठीक है। इसका स्क्वायर जब निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 25 बाई 2, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9 बाई 2 मिल जाएगा, ठीक है, और दोनों का जब डिफरेंस लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 16 बाई 2 मीन्स 8 मिल जाएगा, तो ये वाला तो सही है क्योंकि हमें 8 ही चाहिए, प्लस 8 चाहिए, तो प्लस 8 है यहाँ पे। दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकता था 3 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको फिर से आप जब इसका डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा हमारा माइनस 8, लेकिन हमें माइनस 8 नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लस 8, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पे क्या है 8 है, तो हमें 8 चाहिए, तो हमारा आंसर जो होगा ये वाला होगा, ठीक है, मीन्स ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे 5 बाई रूट 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3 बाई रूट 2, 3 बाई रूट 2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग देखते हैं दोनों के बीच में क्या आता है, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है माइनस है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो 5 बाई रूट टू माइनस 3 बाई रूट 2 आयोटा, ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।